1947 में हमारे देश में 600 मस्जिद थी, आज 13 लाख मस्जिद है। जवाब दें, कांग्रेस ने क्या किया मस्जिद बनाने के अलावा? ये रोजगार हम बताते हैं, आयुष्मान भारत योजना, बुलेट ट्रेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाईवे। इसका नाम है पूनम। आए दिन ये आपको किसी न किसी न्यूज चैनल पे मिल जाएगी, जो कि यूट्यूबर है इसी के पास जाते हैं क्योंकि उनका अच्छा खासा व्यू बन जाता है, क्योंकि ये मुसलमान के खिलाफ हर दिन भड़काऊ बयान देती रहती है। लेकिन खैर इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि अपने आप को हिंदू शरणी बताती है और आए दिन भड़काऊ बयान देती है और मोदी जी के भक्त है। लेकिन मोदी जी इसको सोते में भी याद नहीं करते होंगे। और इसका ये भी कहना है कि 1947 में 600 मस्जिदें थी इंडिया के अंदर, आज 13 लाख है। 1947 का ये डाटा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि 1947 में 40 करोड़ हिंदू थे और 5 करोड़ मुसलमान थे। आज मुसलमान की आबादी 15 से 20 करोड़ है और हिंदू की आबादी जो है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तो किसकी आबादी ज्यादा है आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही है, इसका ये कहना है। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दे दिया, लेकिन इसमें से कितना सच हुआ आपको पता है। 2022 में बिहार के अंदर एक्सीडेंट हुआ ट्रेन हादसा, उसके बाद 2023 में उड़ीसा में, 2024 इधर फिर बंगाल में हो गया। इसका जिम्मेवारी कोई नहीं लेता, लेकिन इस अनपढ़ जाहिल को ये सब पता नहीं है, लेकिन मीडिया वाले जाते हैं। और लोगों का कमेंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, कितने अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किया इसके बारे में।